टिकट कट सकते हैं। स्वाति आपको आवाज आ रही क्या? स्वाति से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा, वहीं मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का भी टिकट कटेगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का भी टिकट कटेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के बोल उन पर ही भारी पड़े हैं और देखिए उनका टिकट कटेगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ा नाम ब्रजभूषण शरण सिंह जिनका टिकट कटेगा, और देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी का भी टिकट कटा है। 72 वर्ष से अधिक उम्र के सांसदों का टिकट कटेगा, तो बरेली से संतोष गंगवार का भी टिकट कटेगा। ये तमाम नाम हैं जिनके टिकट कटेंगे बीजेपी प्रत्याशी पर। भारत समाचार की एक्सक्लूसिव खबर है ये, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी जानकारी है। ये उन लोगों के नाम हैं जिनके टिकट कटेंगे। तो मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का भी टिकट कटेगा, कानपुर से सत्यदेव पचौरी का भी टिकट कटेगा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बोल उन पर ही भारी पड़े हैं। और एक बार फिर से संवाददाता स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं जिनके टिकट कटेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद ही बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। आप तस्वीरें मेरे पीछे देख रही होंगी कि पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है। लेकिन इससे पहले जो बीजेपी सूची जारी करेगी, उससे पहले भारत समाचार के पास कुछ नाम है जो साफ तौर पर बताना चाहेंगे कि किसको प्रत्याशी बीजेपी बनाने जा रही है और किन सांसदों का टिकट कटने जा रहा है। देखिए, केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद है। सूत्रों के मुताबिक कि उनका टिकट इस बार कटने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देने जा रही है। इसके साथ ही हम मेरठ से बात करें, राजेंद्र अग्रवाल लोकसभा के इस वक्त सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनका टिकट भी जो है वो कटने जा रहा है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम सत्यदेव पचौरी की बात करें जो कानपुर से सांसद है, बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि बीजेपी इस बार सत्यदेव पचौरी को टिकट नहीं देगी, उनका टिकट भी कटने जा रहा है। और नया नाम जो है वो कानपुर से सामने आ सकता है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ही तस्वीरें लगभग पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्रयागराज से बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी सांसद है, और आपने देखा था जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस दौरान रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को लेकर जिस तरह से खबरें आई थी, विवाद हुआ था, पूरा मामला हुआ था। अब सूत्र बता रहे हैं कि रीता बहुगुणा जोशी को भारतीय जनता पार्टी टिकट 2024 के लिए इस बार नहीं देगी। इसके साथ ही रमापति राम त्रिपाठी की बात करें तो उनका टिकट भी लगभग पूरी तरह से कटना तय हो गया है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ही जिन जिन सीटों की बात हम कर रहे हैं उन सीटों पर तस्वीरें साफ हो जाएगी, क्योंकि 25 से 30 सीटें उत्तर प्रदेश की है जिसकी घोषणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी अब से थोड़ी देर बाद करने जा रही है। केंद्र चुनाव समिति की बैठक में 50 नामों को लेकर, जो 50 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उसको लेकर मंथन किया गया था, लेकिन 25 से 30 सीट बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज घोषणा कर देगी। लेकिन ये नाम है जो घोषणा होगी औपचारिक तौर पर, उससे पहले भारत समाचार के पास नाम है कि कौन कौन से सांसद का टिकट कटने जा रहा है और बीजेपी किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है। तो प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस बार रीता बहुगुणा जोशी को टिकट नहीं देगी। इसके साथ ही और भी कुछ नाम है, चाहे हम ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें तो सूत्र बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी इस बार केसरगंज से टिकट नहीं देगी। इसके साथ ही रमापति राम त्रिपाठी की बात करें हम, तो ये कुछ नाम है जिनको बीजेपी इस बार मैदान में नहीं उतारेगी, उनका टिकट कटने जा रहा है। चाहे हम उम्र की बात कर ले या फिर हम अलग नजरिए से अगर समझे तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें मंथन कई नामों को लेकर हुआ था, लेकिन ये कुछ सांसदों के नाम है जिनको बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। लेकिन अगर हम अलग अलग और भी प्रदेशों की बात करते हैं तो आज जो है वो नाम सामने आ जाएंगे कि कौन सी सीट पर कौन प्रत्याशी होने जा रहा है, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक हुई 29 फरवरी को, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसमें लगभग उत्तर प्रदेश के 50 सीटों
पर जो है वो नाम फाइनल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहर लगा दी है और तस्वीरें इस वक्त आप बीजेपी मुख्यालय की देख रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद शाम 6 बजे होगा और पूरी तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी। स्वाति, ब्रजभूषण शरण सिंह जो अभी हाल ही में काफी सुर्खियों में रहे, अब कैसरगंज से उनका टिकट कट सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। जिस तरह उनके द्वारा बयानबाजी की गई है वही उन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरा विवाद हुआ ब्रजभूषण शरण सिंह का पिछले दिनों पहलवानों को लेकर, कई तरफ के आरोप जो है वो पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह से पलटवार किया पहलवानों पर, लंबा विवाद चला पहलवानों के साथ, और यही वजह बताई जा रही है मुख्य तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देगी। लेकिन थोड़ा और इंतजार करना होगा, तस्वीरें साफ हो पाएगी। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरह से विवाद में रहे और पिछले कुछ महीनों को अगर हम लगातार देखते हैं तो वो जिस तरह से उनको लेकर चर्चाएं हुई, जिस तरह से पहलवानों की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया, लंबे समय तक पहलवान जो है महिला पहलवान धरने पर बैठी रही जंतर मंतर पर, तो ये तमाम विवाद जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर देखने को मिला है। तो यही वजह है जो कहा जा रहा है कि केसरगंज से जो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी 2024 में मैदान में नहीं उतारेगी उनको उसकी जगह पर। और कई प्रत्याशियों को लेकर चर्चा किया गया है, कई नाम है जिसको लेकर मंथन चुनाव समिति की बैठक में भी हुई है, और यही कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट इस बार कटने जा रहा है। स्वाति, जिस तरह से ये बड़े नाम सामने आए हैं कि इनके टिकट कट सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है प्रत्याशियों पर दांव लगाने के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि फोकस उत्तर प्रदेश पर है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत बीजेपी को मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य 80 सीटों का ही है कि किस तरह से 80 सीटों पर जीत हासिल हो, जिससे जो 370 का टारगेट भारतीय जनता पार्टी का है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि अभी राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का हुआ था, आपने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था बीजेपी 370 पार और 400 पार, तो उस लक्ष्य को किस तरह से पूरा किया जाए, इसीलिए उत्तर प्रदेश की एक एक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया है कि कौन से प्रत्याशी को उतारा जाए जो जीत कर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो लगातार कहा गया है कि जिस तरह से उन्होंने विकास कार्य किया है उसका भी नतीजा 2024 में देखने को मिलेगा कि बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से समझे तो बीजेपी ने एक एक सीट पर मंथन किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि बरेली से जो मौजूदा सांसद है उनका टिकट भी कटना तय है। इसके साथ ही जो 72 वर्ष के ऊपर के सांसद हैं उनका टिकट भी बीजेपी इस बार काट रही है, उनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो देखना होगा, थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन यूपी के कई ठीक है, स्वाति आपको रोकना चाहेंगे और कानपुर से अवनीक दीक्षित हमसे जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। क्या अवनीक संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं? अब देखिए, जो प्रत्याशियों को लेकर है वो जानकारी सामने आ रही है कि तमाम बड़े नाम है उनके टिकट कट सकते हैं। देखिए, जो मंथन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुआ है उसके बाद से बराबर ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो वयोवृद्ध हो चुके हैं और जो नेता जो सांसद भी रह चुके हैं वयोवृद्ध हो चुके हैं, उनको किसी मामले में कोई पार्टी रिस्क नहीं लेगी, चाहे कोई भी पार्टी लेवल का नेता हो, चाहे प्रदेश स्तर का नेता हो या राष्ट्रीय स्तर का नेता हो। कई ऐसे नेताओं के नाम सामने आए जिसमें कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी का भी नाम आया था। उसमें कहा गया था कि 72 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को टिकट देने में सब पार्टी सावधानी बरतेगी, और यही वजह है इस बार सत्यदेव पचौरी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडे में मुख्य रूप से आए थे, क्योंकि उनकी उम्र 72 क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रयागराज से धीरेंद्र हमसे जुड़े हुए हैं। धीरेंद्र, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज पहली लिस्ट जारी होगी, उससे पहले ये जानकारी सामने आ रही है तमाम बड़े नाम है जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में फूलपुर इलाहाबाद संसदीय सीट है,
जिसपे दोनों महिला इस समय लोकसभा चुनाव जीती हुई हैं और सांसद हैं। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि ये वयोवृद्ध हो चुकी हैं, रीता बहुगुणा जोशी हैं जो कि इलाहाबाद सीट से सांसद हैं, हालांकि इसके पहले वो यूपी में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उसके बाद ये फिर लोकसभा का चुनाव लड़ी है, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो सांसद हैं। तो अब तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो लिस्ट है वो लिस्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर इनका टिकट कटता है या ये बचती है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी की अपनी गाइडलाइन तय की जा रही है और जिन लोगों की छवि का आकलन किया जा रहा है, अब उसमें जो कयास है वो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और गोंडा से संवाददाता राजेश हमसे जुड़े हुए हैं। राजेश, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज पहली लिस्ट जारी होगी, उससे पहले जानकारी सामने आ रही है कि तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। गोंडा की बात की जाए तो क्या कुछ समीकरण कहते हैं? देखिए, गोंडा में चूंकि दो लोकसभा सीटें हैं, एक गोंडा है और एक दूसरी कैसरगंज है। कैसरगंज में सबसे ज्यादा माना जा रहा था कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनके ऊपर जो बीते दिनों में एलिगेशन लगे थे, खासतौर पर महिला पहलवानों ने जो इनके ऊपर आरोप लगाए थे, उसको लेकर के पार्टी ने भी इनसे दूरी बनाई थी। हालांकि पार्टी ने बाद में इनका सपोर्ट भी किया और बाद में जो आरोपों से बरी भी हुए, लेकिन इसके बावजूद जो देखा जा रहा है फिलहाल कि जो टिकट है वो इनको फिलहाल कहीं से मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इनका भी टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि सरकार के खिलाफ जहां जहां भी ये गए, चूंकि चाहे पीडब्ल्यूडी का मामला हो या फिर कोई और मामला हो, तो लगातार सरकार का भी ये खिलाफत करते रहे और सरकार के खिलाफ बोलते रहे, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं से पार्टी ने इनको भी पूरी तरीके से देखा और इसके बाद आजमाया भी। और अभी जो फिलहाल जो सूचना मिल रही है, हालांकि इसकी चर्चा जो है वो क्षेत्र में पिछले काफी दिनों से काफी तेजी से चल रही थी, क्योंकि जैसे पहलवानों का मामला आया था, क्योंकि हरियाणा में चुनाव भी होना है तो उसको लेकर के कहीं 10 सीटें हाथ से ना निकल जाए तो वो भी एक इशू बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि पहलवानों ने जिस तरह से अपना मेडल वापस किया और जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि हो सकता है इनका टिकट कट जाए, और उसको लेकर के कयास काफी पहले से ही लग रहे थे और वो लगभग अब सच साबित होता भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। मेरठ से संवाददाता नरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी होगी, उससे पहले जानकारी सामने आ रही है ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं। मेरठ की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति दिखाई देती है? देखिये, मेरठ में अभी एक घंटे पहले मेरी मुलाकात भी हुई जो बीजेपी के सांसद है राजेंद्र अग्रवाल से, और जो एक खुशी होती है टिकट पाने की वो कहीं उनके चेहरे पर नहीं थी, शायद इसलिए कि उनका जो टिकट है वो काटा जा रहा है और इस बात की सुख बुगाहट वहाँ जो संगठन के लोग हैं, जो करीबी हैं हाईकमान के, उनकी जुबान पर भी थी। कई सारे ऐसे भी नेता और विधायक थे जो आपस में गुफ्तगू करते हुए मिले इसी से संबंधित विषय पर। तो अभी ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटेगा। वो तीसरी बार 2019 में सांसद चुने गए थे और ये बताया गया कि उनकी जो उम्र है वो 72 साल से अधिक हो चुकी है। तो ये एक पैरामीटर है बीजेपी में जिससे उम्र का जो दायरा है वो तय होता है, और शायद वो अब उस कैटेगरी में नहीं रह गए हैं। बहुत सारे नामों की इस समय चर्चा चल रही है, लेकिन क्या वो नाम होंगे या फिर कोई बाहर से कोई कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर उतारा जाएगा, जिनमें पीयूष गोयल जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनके नाम की भी चर्चा है, इसके अलावा एक मौजूदा विधायक हैं उनके नाम की भी चर्चा है, एक कारोबारी हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं उनके नाम की भी अभी चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी है कि बीजेपी मुजफ्फरनगर में संजीव बलियान को अपना कैंडिडेट बनाएगी, लेकिन वहां पर जो एक सरधना सीट पड़ती है वहां पर उनकी अदावत जो है बात रहेगी। नरेंद्र, किसका नाम सामने आता है? धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और बरेली से दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, बरेली में बात की जाए तो क्या कुछ समीकरण कहते हैं, किसे मिल सकता है और किसे किसका टिकट कट सकता है? ठीक है, दीपक से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ ही देर में लोकसभा चुनाव को लेकर
भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जो है वो जारी होगी और उससे पहले ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो तमाम बड़े नाम है उनके टिकट काटे जा सकते हैं, जिसमें से कैसरबाग से बृजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कट सकता है, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का भी टिकट कटेगा कानपुर से, तो कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा। वहीं देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा, तो जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से बयानबाजी की गई, उन पर ही ये बयानबाजी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट जो है वो कटेगा। बता दें कि कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होगी, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का भी टिकट कटेगा। देखिए ये 2024 के चुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। वहीं कानपुर से सत्यदेव पचौरी का भी टिकट कटेगा, वहीं कानपुर से सत्यदेव पचौरी का भी टिकट कटेगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देवरिया से संवाददाता मनीष हमसे जुड़ चुके हैं। मनीष जी, के तमाम बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं, देवरिया की क्या कुछ स्थिति है, किसे टिकट मिल सकता है, किसका टिकट काटा जा सकता है? जी देखिए, जिस तरह से लगातार कई सांसदों का टिकट कट रहा है पूरे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं देवरिया से भी ये कयास लगाया जा रहा है कि जो यहाँ के रमापति राम त्रिपाठी जो है देवरिया से सदर सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी टिकट कट सकता है। कारण ये बताया जाता है कि तमाम तरह की बातें अटकलें आ रही हैं, क्योंकि देवरिया जो लोकसभा है यहाँ से लगातार दो बारों से देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो है बाहरी प्रत्याशियों को लाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि इनके पूर्व भी कलराज मिश्रा थे, वो भी जो है कलराज मिश्रा को भी यहाँ से टिकट दिया गया था, लेकिन वही देखा गया रमापति राम, यानी दोनों लोग बाहरी थे और यहाँ से इनको सांसद चुना गया। जनता की बात करें तो जनता में काफी नाराज थी कि बाहरियों को यहाँ पर ला करके टिकट दिया जाता है और यहाँ पे चुनाव लड़ा के सांसद बना दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता में देखा जा रहा है कि काफी नाराजगी है। तो विकास की बात करें तो यहाँ पे विकास शून्य है, कुल मिला के यहाँ पे ना तो सड़कों का विकास हुआ, ना ही तो देखा जाए कि यहाँ पे किसी भी तरह की विकास नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि जो रमापति राम त्रिपाठी हैं, इनका टिकट कट सकता है। कारण यह है कि जनता में एक नाराजगी भी है और कुल मिला के जनता के बीच ये ज्यादा नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि रमापति राम त्रिपाठी का टिकट कट सकता है। लेकिन बात रही यदि चुनाव मैदान की, तो तमाम जो ऐसे बड़े चेहरे, ठीक है मनीष, देखने वाली बात रहेगी किसका नाम सामने आता है। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। स्वाति मेरे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति देखिए, तमाम बड़े नाम हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं और कहीं ना कहीं ये बड़े चेहरों के लिए बड़ा झटका होगा। जी बिल्कुल, देखिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद किया जाएगा, उसमें कई ऐसे बड़े सांसद हैं जिनका टिकट कटना तय हो गया है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 30 सीटों पर आज प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा, 25 या 30 सीटें जिनका प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन जो बड़े सांसद हैं, चाहे हम बृजभूषण शरद सिंह की बात करें, चाहे हम रीता बहुगुणा जोशी की बात करें, या फिर हम राजेंद्र अग्रवाल की बात करें जो मेरठ से लोकसभा के सांसद हैं, इसमें ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उम्र को भी देखती है कि अगर 72 वर्ष से ऊपर के उम्र के सांसद हैं तो उनको टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही आपने अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य किया है, जनता के बीच में आप कितना रहे हैं, जनता के बीच में आप कब कब गए हैं, सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, तो इन सब को देखते हुए जो लिस्ट की घोषणा की जाएगी अब से थोड़ी देर बाद, उस पर मंथन किया गया है कि क्या जनता के बीच में नजर बनाए रखिएगा। आपसे फिर जुड़ेंगे। तो कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा, देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, यहाँ कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट जो है वो कटेगा, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का भी टिकट कटेगा, वही कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट कटेगा। तो ये तमाम बड़े नाम हैं जिनके टिकट कटेंगे। वही प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट कटा।
प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट कटेगा, ये बड़ी जानकारी है। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी का टिकट कटा है। बरेली की बात की जाए तो बरेली से संतोष गंगवार का भी टिकट कटेगा।